हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी भर्ती की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम आपको लेके आ गए हैं पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग। तो हम आपको दिखाएंगे इंट्री गेट से लेके एकदम आखिरी तक A to Z कि कैसे एंट्री करनी है, डॉक्यूमेंट क्या दिखाना है, एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो और फिर इसके बाद दौड़ भी दिखाऊँगा। दौड़ के बाद जो मेडिकल पास हुए हैं उनसे मैं बातचीत भी करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहे, हम आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। हाय, ये भाई लोग की कल है भर्ती। भाई लोग आप लोग कहाँ से हैं? बिलासपुर जिला। ये भाई लोग आए हैं बिलासपुर जिले से और इन लोग की कल है भर्ती। तो आप वीडियो में बने रहे और आपको हम ले चलते हैं आगे। भाई आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर। तो आप लोग की भर्ती कल है? कल है। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये भाई लोग नींबू पानी मिला रहे हैं, कल इनकी भर्ती है और यहीं से मिलनी है आपको एंट्री। ये आप देख लीजिए और ये दुकानें अभी खुली हुई हैं, रात को 12 बजे बंद हो जाती हैं और फिर सुबह फिर से खुलती हैं। और ये रहा आपका एंट्री गेट। अभी गाड़ियां आ और जा रही हैं, जैसे ही 12 बजेंगे ये सब बंद हो जाता है। और आप जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लाइन लगेगी। इस टाइम पे भीड़ नहीं है क्योंकि अभी भाई लोग आए हुए नहीं हैं और जो भी आए हुए हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं, ये पार्क में बैठे हुए हैं। यहीं से लाइन लगना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो ये आप देख लीजिए। ज़रूरी सूचना, अगर आप यहाँ एंट्री करने आते हैं तो एडमिट कार्ड में दिया है टाइम 12 बजे, तो कृपया आप 12 बजे ना आएँ। यहाँ आप 2 बजे, 2 बजे के बाद 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में आएँ। आप घर से हल्का होके आएँ, फ्रेश हो जाए अच्छे से, माइंड फ्रेश हो जाए आपका, क्योंकि यहाँ दौड़ 4 बजे से स्टार्ट होती है। आपको अंदर ले जाके सिर्फ बिठाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। तो आप 3 बजे तक आएँ और आपको हम आगे दिखाते हैं। फिर चलिए चलते हैं। और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, सिर्फ एडमिट कार्ड ही चेक किया जाएगा और कुछ नहीं। ये रही जगह। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। और ये भाई लोग की फिजिकल क्लियर हो गई है, लेकिन ये कुछ भी बताने से डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं ये तो पता नहीं। और यहीं से आपको एंट्री दी जाएगी और एंट्री देने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको अंदर बिठाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको अंदर ले जाया जाएगा और अंदर ले जाने के बाद यहाँ आपको बिठा दिया जाएगा। जो होते हैं ना, जैसे ST हो गए, SC हो गए, OBC जनरल, फिर एक एक करके उनको निकाला जाएगा और निकालने के बाद आगे हाइट चेक की जाएगी। और यहाँ पे भी शौचालय उपलब्ध है वरना इतनी सुविधा पहले नहीं थी। और यहीं पे आपको बिठाया जाएगा और फिर यहाँ से बिठाने के बाद आपको यहाँ से निकाला जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं और यहाँ पे आपको लाइन लगाने पड़ेगी और लाइन लगाने के बाद आप जाएंगे अंदर, वो आप देख रहे हैं जहाँ पे कार खड़ी है वहाँ पे आपकी हाइट चेक होगी, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहीं पे आपकी फिर हाइट चेक होगी और फिर यहाँ से आपको अंदर बिठाया जाएगा। और कुछ ज़रूरी सूचना है जिसे आप पढ़ लें और समझ लें। ये जो आप सामने चीज़ देख रहे हैं कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर, ठीक है? तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। और ये रही वो जगह जहां आपको एंट्री दी जाएगी, यहीं आपको बिठाया जाएगा और 2 से 3 घंटे आपको यहां पे बिठाया जाएगा। फिर बिठाने के बाद वो जो आप सामने देख रहे हैं सामने गेट से आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। और जो आप ये देख रहे हैं पीछे, इसे बोलते हैं मानस भवन, यहीं पे मेडिकल शुरू है, ठीक है? तो अंदर का तो वीडियो नहीं बना सकते और भाई लोग 1 घंटे बाद निकलने वाले हैं, तो हम आपको मेडिकल की पूरी जानकारी देंगे और क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे मेडिकल सुबह से लेकर रात तक मेडिकल चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। रात के 8 बज रहे हैं फिर भी मेडिकल अभी भी चालू है, जिसकी वजह से हम मेडिकल स्टूडेंट का वीडियो नहीं बना पाए, असुविधा के लिए खेद है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़, मानना पड़ेगा। और ये भाई लोग की 12 बजे से एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी,
तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मिलते हैं अगले एक ऐसी वीडियो में।